वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस साला लास्ट दो वीडियो से बोल रहा हूँ मैं, अब जल्दी डालूंगा वीडियो। आई एम वेरी बीमार राइट नाउ। मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कितना बीमार हूँ, बट किसी को क्या फर्क पड़ता है। बात तो सही है। वापस आ जाते हैं अपने रेडिट पे। 245K मेंबर्स हो चुके हैं भाई। मीम्स देखते हैं, बड़े दिन हो गए, ठीक है आज मीम्स देखेंगे। आज ट्राई नॉट टू लाफ नहीं है, क्योंकि आज मैं हंसूंगा भाई। आज मैं थोड़ा ठीक हो गया, ठीक है, मैं थोड़ा बेटर हो गया हूँ, तो आज हंसेंगे। Rich brats doing stupid shit. Your thoughts? We started a movement to bring Taylor Swift to India, and this wouldn't be possible without our fans and the Boat Party Fan 300. And this is how it went. We started off with karaoke, which blocked off the entire road. Because of this, cops even asked us to leave, but that didn't stop us. We all marched to a new location. And who are you? What is it? Gave everybody romance and started singing. And at this. इससे होगा क्या? टेलर स्विफ्ट को फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ पॉइंट क्या है? मैं ये चीज समझ सकता हूँ कि टेलर स्विफ्ट के सारे फैंस एक साथ मिलके भाई गाने गा रहे हैं, दैट्स फाइन, बट भेंचो इसका पॉइंट क्या है? देखो यार, आधे जो लौंडे हैं वो बाकी आधी लौंडियों को देखना है, ठीक है? ये बड़ी अच्छी बात कही यार। उनको फर्क नहीं पड़ता टेलर स्विफ्ट से, मैं अभी गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ। आधे लोग फ्री ग्लोब एंड के लिए आए होंगे कि भाई कुछ तो फ्री में मिल रहा है, एक गाना बजाना हो रहा है, वहाँ चल देते हैं। And then I proposed to the girl of my dreams. भाई क्या हो रखा है, क्या हो गया जनरेशन को भाई? छी ब्रो, अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलने लग गया है एल्विश को। Indian YouTuber was recently arrested. Elvis Yadav spent 14 days in jail because he was supplying snake venom as a party drug. When I heard about this, my first thought was, how the hell do you even use snake venom to party? That Elvish dummy and his friends would sit in a room barefoot, let loose a few cobras, then wait for the snakes to bite their toes. And that could give them a weird high of sorts that would last for days, but there is a problem. It's goddamn snake venom! It's incredibly deadly and they're shooting it directly into their bloodstream. It's literally safer to do heroin because you have less of a chance of dying. It's also highly illegal in India under their Wildlife Act to use snakes for partying purposes. The police who... Bro, ये पूरा एलविश वाला सीन है। अब ये किसी को नहीं पता कि कितना सच है क्या है, बट जो चीज जेन्युइनली मेरे को इफेक्ट करी थी ना, मेरे को लाइक जेन्युइनली बहुत बुरा खराब लगा था, थोड़ा गुस्सा आया था, इज द होल सीन जहाँ पे मीडिया वाले क्या कहते हैं एल्विश के पेरेंट्स को बुला रहे हैं एंड दे आर लाइक आस्किंग क्वेश्चंस रैंडम शिट। पता नहीं यार वो सवाल कितने जरूरी थे मीडिया वाले पूछना, ये वो, द बिहेवियर इट वाज हॉरिबल, ठीक है, मेरे को वो चीज बहुत खराब लगी। अब यहाँ पे सही गलत वाली चीज है ना, वो बहुत सब्जेक्टिव है, किसी के लिए कुछ सही है, किसी के लिए कुछ सही है, बट ये जो पूरा पेरेंट्स वाला सीन था ना, एल्विश यादव के पेरेंट्स मीडिया वालों के पास जा रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, एवरीथिंग, दे वर क्राइंग, यार मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वहां पे तो मैं ऐसे हो गया था यार, मीडिया वाले मतलब थोड़ा तो मतलब वो रखो, इंडियन मीडिया। ले भाई तुझे ब्लो जॉब चाहिए थी ना, फिंग जब छोटा था है? जिन महिलाओं की योनि पूरी तरह से लटक चुकी है, खुली हो चुकी है, उसमें कसावट और टाइटनेस लाने के लिए एक गिलास अंगूर का जूस सुबह खाली पेट रोज पिए। ऐसा मत बोलो। क्यों? फिंग जब छोटा था उससे क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है मैं कैसा था छोटा था? You know what time it is? ये आखिरी फॉर्म बचा है, इसे ध्यान से भरना। फर्स्ट नेम साहिल सिंह, सर नेम So true भाई, so true। अरे PTSD हिट कर गया मेरा बहुत जोर से। अरे मेरे को दुनिया में ना, ठीक है, मेरे को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है ना, जिसको करने में मेरे को सबसे ज्यादा कष्ट आता है, वो पता है क्या है? No, it's not breaking up।
इट्स डूइंग पेपर वर्क, ठीक है? तुम कोई भी चीज ले रहे हो, ठीक है, जैसे मैं कोई लोन ले रहा हूँ या मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ या फिर कोई डॉक्यूमेंट भरना है मेरे को, ठीक है, पेपर वर्क। भाई फॉर सम रीजन मेरा सबसे बड़ा डर निकलता है पेपर वर्क के टाइम कि मेरे से गलती ना हो जाए। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मीम आ गया सामने, ये सच है भाई। इट वॉज अ नाइटमेयर भाई, जब 12वीं के एग्जाम के बाद मैं वो कॉलेज के लिए फॉर्म भरने थे, इट वॉज अ नाइटमेयर। मैं पेपर वर्क नहीं कर सकता भाई, आई हेट पेपर वर्क भाई, मैं वो बिल्कुल नहीं पसंद, मेरी फटती है पेपर वर्क से। सिग्मा बॉयज आफ्टर यूजिंग दीस इमोजीज। Wait, this is very accurate. Good meme, yeah, chala. Good meme. Arey, bhai, ye to. ये गलत हो रहा है भाई, ये तो बहुत गलत हो रहा है भाई, ये तो जेन्युइनली बहुत गलत हो रहा है भाई। तुम्हें पता है कभी भी हनी सिंह और बादशाह का कोलैब नहीं होगा। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। क्यों? हमारे वजह से भाई। क्यों? क्योंकि हमें मजा आते हैं इन भसड़ों में, हमें चाहिए विवाद, हमें चाहिए लड़ाई, हमारे वजह से वो कभी कोलैब आएगा नहीं भाई, तुम समझ रहे हो इस बात को, ठीक है? तो अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हम सारे लोग ना, हम सारे चुप हो जाएं, हम इनकी कॉन्ट्रोवर्सी में पार्ट ही ना ले, ना इनकी कॉन्ट्रोवर्सी को अटेंशन दे, कि मतलब हनी सिंह और बादशाह लड़ रहे हैं, कुछ भी कमेंट पास, कुछ नहीं बोल रहे भाई, हमें तो कोलैब चाहिए, हमें तो कोलैब चाहिए भाई, कोलैब करो, ठीक है? बस ये एटीट्यूड हो जाए ना, आई थिंक इतनी जल्दी किन्हीं दो सिंगर्स का, दो रैपर्स का कोलैब नहीं देखा होगा हमने, जितनी जल्दी इन दोनों का आएगा। सही में आई थिंक हमें ये करना चाहिए जेन्युइनली। तीन बैकलॉग, अरे यार चार बैकलॉग भाई। इंजीनियरिंग के दिन भाई, इंजीनियरिंग के दिन, दिस इज सो ट्रू। तुम में से जिन लोगों ने इंजीनियरिंग नहीं करी ना, वो इस फीलिंग को नहीं समझ सकते, जिन्होंने करी हो ना इंजीनियरिंग वो समझ सकते हैं भाई। ये सबके साथ हुआ है, मेरे साथ हुआ है भाई, मैंने भी देखा, बहुत अलग फीलिंग है ये। I bet you can't smile while breathing. ये तो अच्छा मीम था यार, ये तो गुड था। तुम में से कौन कौन स्माइल करा अभी मेरे साथ? I don't get it, ये बनाया कैसे? किसने गाया? कौन है जीनियस आदमी? I wanna know, और इस गाने को कहते क्या है? कहाँ से आया? I wanna know, because this is too accurate. बेशरम आदमी भेड़, ठीक है? एक तो मैंने ये किस चीज के लिए बोला था, वो जो टेररिस्ट वाला म्यूजिक था, ठीक है, उसके लिए बोला था। साले हरामखोरों ने ये उठा के अपने गानों के आगे चेप दिया। ओ भाई फिंग भाई हमारे गाने को बोल रहे, क्या है तेरा गाना बहन? मजाक कर रहा हूं, अच्छा हो सकता है, बट ये क्या बदतमीजी है भाई? मेरे ही रेडिट पे मेरी ही क्लिप मॉडिफाई करके डाल रहा है, मेरी ऑडियंस को अपना गाना सुनाने के लिए। अच्छा अच्छा, फ्री प्रमोशन मिलेगा, फ्री प्रमोशन तुम्हें। भारी मिस्टेक हो गया सर। What's your excuse? रुको। अच्छा ये क्या है? तो what the fuck? ये सेम नहीं है? ये सेम ही तो है। सेम सेम बट डिफरेंट। सो व्हाट यू डू ऑन वीकेंड्स? वेल आई लाइक टू पुट ऑन सम क्लासिकल म्यूजिक एंड आई लाइक टू पेंट। अरे भाई यार मेरे को रियलाइज हो रहा है आई एम गेटिंग ओल्डर नाउ, क्योंकि जो मजा इन पुराने गानों में ना, ये साजन वाले गाने बोलते हैं जो भी बोलते हैं ना, ये जो शेयर्ड ऑटो में चलते हैं ना, ट्रकों में, ये अलग नशा है भाई इनमें, एक अलग मजा है भाई इनमें। सही में मेरे को तो बहुत बढ़िया लगने लग गया आजकल, मैं तो सुनता हूँ भाई। ठीक है ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कमाल है, धोनी जी गा दीजिए अब।
चार साल से जिसको दोस्त मानता था उन्होंने भी दोस्ती तोड़ दी, वापस से अकेला हो गया हूँ। अकेले रहने में अलग ही सुकून है। दिस इज ट्रू। इफ यू लर्न टू लिव विद योरसेल्फ हैप्पीली, आई थिंक वो सबसे बढ़िया चीज है जो तुम कर सकते हो अपने साथ। सही में भाई, अपनी कंपनी एंजॉय करनी आनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये होता रहता है भाई, लोग आते हैं जाते हैं, तुम्हें वो लोग चले जाते हैं भाई जिनसे तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कभी जाओगे। अभी थोड़े दिन पहले ना एक बहुत सही सर है, उनसे बात हो रही थी मेरी, तो ऐसे ही कुछ हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि देख यार, किसी से ना ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखते, इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी चीज जो होती है ना वो उसको उसकी जान होती है, और वो भी छोड़ जाती है एक दिन, ठीक है? तो दोस्त दोस्त क्या चीज है। और मैंने ये सुना, मैं भाई क्या बात बोली है भाई, कि सबसे प्यारी चीज जान होती है और वो भी छोड़ जाती है एक दिन भाई, तो बाकी दोस्त वगैरह क्या चीज। इट्स ओके भाई, जाएंगे, एक जाएगा दूसरा आएगा, ऐसी चलती है लाइफ भाई। लड़ाई हो गई लड़कियों से, क्यों भाई? अबे क्यों भाई, लड़कियों से क्यों नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं, आई थिंक सो, कोर्ट में। क्या जोक मारा भाई। ये पूरा बीफ भाई इतना क्या ही था भाई, ये क्या ही हुआ है क्या, बट ठीक है चलो सॉर्ट हो गया ना, ठीक है वो अच्छी बात है कि सॉर्ट हो गया। You know, I find you to be a wonderful actress and thank you. Can I give you an acting challenge? Okay. I'm going to show you a line and then I'm hoping that you could do it with much as much weight and gravity to it as possible. Okay. It's a pretty serious line. I'll say action. Action. Don't you ever fart on my tits again. She did it. उसने कर दिया भाई, गुड जॉब भाई, उसने एक्टिंग तो अच्छी करी भाई, फनी था ये, फनी था, अच्छा लगा भाई वो। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। मनीष जी के पास नहीं है, अभी इन्होंने बताया। सतेंद्र जैन के पास है, इनके पास भी नहीं है। गोपाल जी आपके पास है, गौतम जी आपके पास है, इमरान खान है, कैलाश जी, पूरी कैबिनेट के पास नहीं है। इतनी लौंडो वाली बात है ना ये, आई आई सही है, बात तो सही है, लौंडो वाली बात है ये। बट आज के मीम्स बढ़िया थे यार, आज के मीम्स बढ़िया थे, मैं बहुत हंसा हूं आज, ठीक है? सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतने ही मीम्स, ठीक है? जल्दी से फटाफट और बढ़िया वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। मैं नहीं बोल रहा भाई, ठीक है? क्योंकि फिर लेट करूंगा, गाली खाऊंगा मैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, आई होप तुम्हें मजा आएगा, अगर मजा आया तो मेक श्योर कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, बाय बाय। मेरी आंखों से तू देख जरा खुद को।